गणती रागनी वा ये तो फैले कर लेता हां फैले कर ये बच जाता अरे ये वो काम फैले कर लेता तो जो तुम के तुम कर रहे हो गाना जी क्या जी भेजो अब भाभी ने ऐसा ना ना यार तो बेटी बेटी मुंह तो फाटो पुलो जो लगा हां ये फाटो पुला दे यूं कने मु भगवान बुलाऊं भगवान थे भगवान थे ये मुड़ी अब वही ना लें यही ना लें भगवान मां के शान जो आठ नौ दस ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस पच्चीस सैंतीस चालीस हाथ तक की गिनती में भूल जाओ तो बच्चा कहीं मंदक ही है ऐसा कड़ा नाड़ा बन जाए वो कहीं हो यो ये नाक नहीं बांध दियो यो कहीं हो थोड़ी जो यो जा रही हो कटे मगर जम गुलू तो ये था कि बात राग रही हो आप पता ना क्यों उन्हें जब तो राग नहीं फैली थी तो खाली मम्मी ने मिंदी लगा भरी थी पॉइंट तो नहीं लगा कौन लगा मिलियो आठ ही ना बोलो आलो ठंडा है बॉडी तो अभी हो क्यों ना दूध पीती हूँ तो कम लियो अब हो क्यों पिया तो घंटा दो घंटा काम करो गणो बंद कर लगा दी शादी तो कब जो लगाओ तो मिनी को करता हूं अब शांत लो ये तो बचा है मम्मी भाई चुनी बचा चुनरी है कैसे या कौन चुनर नो भगवान की है लो ऊपर नो डे तो ही को नहीं वो जाग तो भगवान की तो हाथ आ जा जट लेवन अति देर के लगा हाथ आ जा हो गई तो वो मिलो माँ तो धुआं डियो ही नहीं उठियो घी घी चुप घी जम क्यों घी मेरे को उठियो उठियो ये चुप ये सो ये चीज़ आते हैं आज भी बंदा काम की थी अब टेंशन मतलब रिकॉर्ड हो रही पता सिद्धि शोध माता नहीं होना वहां बरके चलो मग मंदक शाक भगवान ने अरका ले नहीं ने अरका ले नहीं ने अरका ले जटिन नंबर लग गए जो यूं नंबर लग रहे हो यूं यूं नंबर लग भगवान तो कटोगी मन मनमु सही है छुरिया मार सकता रखता ये पापी ये दो दे लो यूं
माता कर देवे पगां के धोक देवे भगवान ने अच्छा रखो था तो ये यू बन जाए अभी आते देवे कटिन में फेर लेनी चट चांद बेगो उगा दिखिए और बिल्ली खाई और मत हो मम्मी का तो अगला धुआं डियो यहाँ का यहाँ का यारी हो अबे अबे बात की ना खाना नू मार दिया करवा चौथ व्रत कथा कार्तिक वदी चार को करवा चौथ करते हैं इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा का था बात तो हुन ज्ञान कौन का दे देखो ना और यूं यूं वे करवाने लिए ना मैं थाली में यूं यूं कराने फेंक रहा देखो ना अभी तो वे बांधे तो आ गए कुल बच्चे कुछ आ गए तो हां मंदिर में करा तो ये ने लो नहीं हूं कहता जा भगवान के पाछे हूं वो मां ये तो आज को छोड़ दे वाले की के बना तो मंदिर कौन बात अरे ले छोड़ दे लास्ट ओके ना करा आठ महीने रे चलो पाछे कौन करी वो पाछे बोल कार्तिक वदी चार को करवा चौथ करते हैं इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्ध देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकाला दूसरे कोर में छींक हुई तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहां इंद्रामणि आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्ध दे दिया था यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। जय चौथ माता। बात जोड़ लो और कहीं अगला ही हो गया। जय भगवान।